केंद्र और प्रदेश सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले लोगों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है, लेकिन कुछ लालची लोग सरकार की इस योजनाओं को गरीबों तक नहीं पहुंचने देते। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है बावल उपमंडल के गांव रूद से, जहां पर इन दिनों कमल नाम का डिपो होल्डर घर घर जाकर बीपीएल कार्ड धारकों से अंगूठा लगवा तो रहा है और पैसे भी वसूल कर रहा है, लेकिन उसके हक का राशन उन्हें उपलब्ध नहीं करा रहा है। सरकार ने इस गाँव के बीपीएल कार्ड धारकों के लिए नवंबर महीने में 65 क्विंटल गेहूं उपलब्ध कराया था और यह राशन बीते दिन यानी 30 नवंबर तक गरीबों में बंट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं डिपो होल्डर की सरकारी दुकानों में भी गेहूं का स्टॉक उपलब्ध नहीं है। अब देखना यह है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देश का दावा करने वाली सरकार इस मामले की जांच कराकर दोषी को सजा दे और गरीब को उसके हक का गेहूं उपलब्ध कराए। मैं वो बोला पहले फिंगर लगवा ले। किसने कहा? अरे वो कल बात करो हिंदी के हिसाब से। डीएफएससी ने कहा था कि आप नहीं नहीं वो बोले तू पहले मशीन ले जा इससे राजनारायण से और अपना फिंगर लगवा ले और फिर वो राम माल उठा लेगी। मतलब आपने डीएफएससी साहब ने कहा है कि पहले आप फिंगर लगवा लो, पैसे ले लो, माल बाद में दे देना। अरे डीएफएससी साहब नहीं कहा तो ये बोला है राजनारायण ने, बोला तू फिंगर लगवा ले और नहीं तो फिर तू माल कैसे कब लेके आएगा, कब वो करेगा, कब फिंगर लगवाएगा।